हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव सिक्स ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एंड साथ में आया है फाइव ऑफ कप। सो आपकी जो एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में मेष राशि की, कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी लाइफ में अगर कुछ अबंडेंस आ रही है या कुछ भी ऐसा, तो और आपको इस चीज़ का डर है कि यू नो नज़र ना लग जाए या कुछ भी, तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि या तो आपके यू नो पितृदेव में से या तो कोई है या कोई एक ऐसी एंजल है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, वो हमेशा आपको देखती हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती हुई दिख रही है। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ चीज़ों को लेके कुछ रिग्रेट हो, किसी पॉसिबिलिटीज़ को लेके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके रिग्रेट हो सकता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी अभी तक हुआ है, अगर कुछ चीज़ें मिस हुई हैं या कुछ भी, तो वो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इट वॉज मेंट टू हैपन, जिससे कि आपको कुछ और अच्छा मिल सके। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड फील कर सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक हो सकता है कि आपने किसी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, एंड जैसे जैसे आप इस पर्सन को यू नो और इनके क्लोज आते हो, या जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को जानने की कोशिश करते हो, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा शायद से इमेच्योर है। वो जितना ज़्यादा अपनी मेच्योरिटी यू नो सर्फिस लेवल पर दिखाते हैं, वो अंदर से उतने ही चाइल्ड लाइक पर्सन है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यू नो परेशान कर सकती है, थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके खुद की भी कुछ ऐसी शैडो पार्ट्स हैं जो बाहर आ सकते हैं। अगर आप ट्रिगर्ड फील हो रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो नहीं ये चीज़ गलत है इस इंसान में या कुछ भी ऐसा, तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर आपको देखना है कि क्या वही सेम चीज़ आपके अंदर भी है जो आप हमेशा से निग्लेक्ट करते आए हों। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। एट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड थ्री ऑफ कॉइन्स एंड द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो, या आप कोशिश कर रहे थे मूव ऑन करने की। हो सकता है आपके पर्सन जो थे जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे। सो यू विल फील इवन मोर क्लोजर टू योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को लेके और ज़्यादा क्लोज फील करोगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जी भी मुझे लग रही है, एंड ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हो कि कैसे आप अपने पार्टनर तक पहुँच सको। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, तो कर्क राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपका टाइम चल रहा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। काफ़ी लोग ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे यू नो शिफ्ट कर सकते हैं। आपका कुछ लोगों का माइग्रेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी की पोस्टिंग दूसरी जगह पे होती हुई दिख रही है, और वो जो जगह होगी वो आप लोग के लिए काफ़ी लकी होने वाली है। कुछ लोग घर लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट इट्स लाइक आपके यू नो अपकमिंग टाइम में आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, बहुत सारी पावर्स आपके हाथों में आती हुई दिख रही है, जो आपकी चीज़ों को, आपके टाइम को बहुत अच्छे से बदल देंगी। ओके, लेट्स सी हमारी सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है।
सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड साथ में आया है टू ऑफ कॉइन्स। तो सिंह राशि वालों के लिए जो नेक्स्ट 24 आवर्स होने वाले हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके करियर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं एंड या फिर आइडियाज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज फील कर सकते हो कि कौन सा आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेसिफिकली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, बिकॉज हो सकता है कि काम की साइड से, आपकी करियर की साइड से भी काफ़ी बर्डन बनता हुआ दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस बिठाने में आपको कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, फाइव ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ कप्स। तो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक कम्प्लीटली एक पूरी साइकिल मुझे एंड होती हुई दिख रही है, ठीक है। और ये जो पूरी एंडिंग है, आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी उसमें खुद की गलतियाँ थी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें एंड हुई हैं, जिसकी वजह से आप जो भी फेस कर रहे हो वो फेस कर रहे हो, लेकिन यही एक एंडिंग होगी जो आपको एक न्यू बिगिनिंग की साइड लेके जाएगी। इस बिगनिंग के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके ईगो क्लैशेज होंगे, आपके बिलीफ सिस्टम जो होंगे वो चैलेंज होंगे, लेकिन यही चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को लेके आएगी और प्रॉबेबली फॉर सम एक न्यू कनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स सी तुला राशि को लेके क्या मैसेज है। फोर ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कॉइन्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि फोर नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स जो होंगे वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। घर में या कोई एक कोई इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक विश कम ट्रू भी होगा। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, आपने प्रॉबेबली इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट किया है। समथिंग जो शायद से 7 महीने पहले स्टार्ट हुई थी वो फाइनली अब आपको उसके रिजल्ट्स दिखने जो होंगे वो अब स्टार्ट होंगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर के अंदर थोड़े से क्लैशेज आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके और जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं या जो भी आपके बॉस है वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैश आ सकता है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वहाँ पे आपको फील हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आपकी क्रिएटिविटी को, आपके पास इतना फ्रीडम नहीं है कि आप अपने काम को फ्रीली कर सको, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता हुआ दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी करंट जॉब को, अगर आप जॉब करते हो तो वो आप शायद से छोड़ दोगे एंड उसके बाद आप अपना खुद का कुछ नया स्टार्ट करना चाहोगे या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहोगे। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, लेकिन यहाँ पर आप भी उतने ही ज़्यादा, मुझे लगता है नॉट डोमिनेटिंग बट बहुत ही ज़्यादा ओपिनियनेटेड मैनर में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आप अपना ओपिनियन रखते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। टू मोर कार्ड्स फॉर धनु राशि। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड और किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी तक आपका जो टाइम चल रहा था धनु राशि, वो एक ऐसा टाइम चल रहा था जहाँ पे आप या तो बहुत स्लो थे या आप बहुत धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके काम करना या फिर बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, आपकी पूरी वो एनर्जी चल रही थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब फाइनली उन सब चीज़ों के अंदर एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। आप अपनी एक न्यू जर्नी पकड़ने वाले हो और ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी होगी, बहुत इमोशनली स्टेबल, स्पिरिचुअली स्टेबल, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी होने वाली है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि।
मकर राशि के लिए क्या मैसेज है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली चीज़ तो ये कि आप मुझे काफ़ी प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, स्पेशली वो लोग जो या तो सिंगल हैं या कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा एक वो हो सकता है कि यू नो, आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, एक अपसेट होने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी होते हुए दिख रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशन आ सकते हैं, बहुत इमोशनल फील कर सकते हो इस पर्सन को लेके। ये पर्सन आपके पास्ट के कोई पर्सन है जिनके साथ आपका यू नो, आपके अंदर ये थॉट्स या फीलिंग्स डेवलप हो सकते हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ओके, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड दी एम्प्रेस। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपका आपकी मॉम के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन को लेके यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो भी मदर फिगर है आपकी फैमिली में या आपकी जो मदर है, उनको हो सकता है किसी ना किसी चीज़ की एंग्जाइटी हो रही है या टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपको उनकी लाइफ में मैजिशियन बनने की ज़रूरत है, आपको उनको रीच आउट करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। दूसरी ये चीज़ कि जो लोग शादीशुदा है, जिनकी ऑलरेडी एक फैमिली है, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी वाइफ के साथ अगर कुछ ना कुछ यू नो ऑन ऑफ चल रहा था या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो चीज़ मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड इफ़ यू आर अ मेल हु इज़ वॉचिंग दिस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे किसी पे यू नो किसी ने साइकिक अटैक किया है या ब्लैक मैजिक किया है। अगर आपके घर में आपकी मॉम या आपकी दादी कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उसका एक रीज़न ये चीज़ हो सकती है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस एंड टेन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत अच्छी एनर्जी है, काफ़ी हारमोनियस एनर्जी है, काफ़ी फैमिली वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, टुगेदरनेस वाली एनर्जी है। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स, या तो आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, अगर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं तो वो लोग, वरना अगर वो लोग नहीं हैं तो वो आपके एंसेस्टर्स हो गए, राइट। तो वो उनकी साइड से आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं, ठीक है, चाहे वो है या नहीं है, मतलब एक यू नो सम काइंड ऑफ एक अंदर से सुकून उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है, उनको पीस मिलता हुआ दिख रहा है, एंड उस चीज़ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आएंगी। ओके, और काफ़ी टेम्परेंस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी फील होने वाली है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग 6 to 7 डेज में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।